रुड़की हब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आइए आज हम बात करते हैं क्रांतिकारी नेता रश्मि चौधरी जी से। और एक बात और बता दूं उनके बारे में, वह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं महिला मोर्चा की। आइए उनसे बात करते हैं रुड़की के बारे में और जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं फिलहाल के, उस बारे में भी बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ रुड़की हब के स्टूडियो में। और सबसे पहला सवाल ये है कि अभी जो क्रांतिकारी आपको नेता कहा जाता है, क्रांतिकारी फैसला भी आया है मैडम, जो सरकार द्वारा लिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा 370 को हटाने का और 35 ए को, आप क्या कहना चाहती हैं कि सरकार ने ये सही कदम उठाया या आप इसके खिलाफ कुछ एक्शन वाली बात कहेंगी? नहीं, ये जो फैसला है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ये ऐतिहासिक फैसला लिया है नरेंद्र मोदी जी ने जी। और नरेंद्र मोदी जी जो भी कार्य कर रहे हैं वो मैं समझती हूँ कि किसी राग द्वेष से नहीं कर रहे हैं, वो जो हिंदुस्तान के हित में है, जो हिंदुस्तान का भला होगा वो फैसला हुआ है और ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। और इससे भारतवर्ष का पूरे वर्ल्ड में नाम हुआ है कि इतने सालों से वो बेचारे गैर थे और 370 हटे के बाद आज वो फ्री हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं। आज वो ये महसूस करने कि हाँ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और स्वतंत्र हैं हम। मैम, जैसे बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेसी लीडर से जिनसे भी बात की जा रही है वो इस फैसले का विरोध कर रही हैं, आप इस फैसले के पक्ष में हैं, क्या ये फैसला आपके लिए कोई दुखदायी नहीं होगा? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी ओपिनियन होती है और कांग्रेस जो है बहुत बड़ा परिवार है जी। तो जो जब बड़ा परिवार होता है तो हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, हर व्यक्ति की अपनी समाज के लिए दृष्टिकोण होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो ये निर्णय लिया गया है ये बहुत उचित निर्णय है और मैं इस निर्णय के बिल्कुल समर्थन करती हूँ। मैम, रुड़की नगर निगम चुनाव का बिगुल बज जाता है, कभी कहते हैं कि अभी चुनाव नहीं हो रहे, कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही, कि कोर्ट में उन्हें जब जाते हैं फटकार लगती है फिर भी वो चुनाव नहीं करवाते, लेट हो रहे हैं चुनाव, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है जी। वो कहती कुछ है और करते कुछ हैं वो लोग, तो इस दृष्टिकोण से उनको लगता है कि यहाँ पे हमेशा इंडिपेंडेंट आदमी हमेशा यहाँ पे जीतता आया है और जिसकी सरकार होती है उसमें जाके वो मिल जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि ये उनका ओछापन है। जब बार बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये हो रहा है कि पाडली गुजर और रामपुर गांव जी, जिसमें जिला पंचायत सदस्य भी नहीं है और वहाँ पे प्रधान भी नहीं है, तो मैं ये वाली बात कहना चाहती हूँ कि जब आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी थी तो आपको वहाँ पे जिला पंचायत और प्रधानी का इलेक्शन कराना चाहिए था, तब तो आपने बिल्कुल साइलेंट रहे आप। और जब आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाएगा तो आप उसमें अपना ओछापन दिखा रहे हैं, तो उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। मैम, एक बात और भी पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर कांग्रेस पार्टी आपको रुड़की से टिकट देती है और आप मेयर बनते हैं तो पहले 6 महीनों में आप किन मुद्दों को लेकर सबसे आगे आएंगी? देखिए, मैं पार्टी की बहुत समर्पित कार्यकर्ता हूँ और हमेशा रहूँगी और ये बात मान्यवर हरीश रावत जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि मान लो मेरी पार्टी मुझे इस काबिल समझती है कि यहाँ का टिकट मुझे देती है तो मैं 100% जो यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, एक तो आवाजाही का, जो आवागमन का जो है उसमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सेकेंडली, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो निचले क्षेत्र हैं जैसे ये पश्चिम अंबर तालाब ले लीजिए आप, भारत नगर बंदा रोड ले लीजिए, वहाँ पे पीला पानी आता है। तो जो आदमी इस स्वतंत्र भारत में रहता है और रुड़की वेल एजुकेटेड सिटी है और रुड़की
वेल एजुकेटेड सिटी होने के नाते यदि यहाँ पर मुझे मौका मिलता है तो मैं वो सब चीज़ें करूँगी 6 महीनों के अंदर कि रुड़की की जनता को ये आभास हो जाएगा कि यहाँ वास्तव में एक ईमानदार और एक जिसको कि वास्तव में समझ है कि समाज के लिए हम सबका साथ सबका विकास तो बोल देते हैं लेकिन सबका साथ और सबका विकास दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत सालों से हमारे विधायक भी रहे और 5 साल हमारे मेयर साहब भी रहे, तो जिन चीज़ों पे काम होना चाहिए था उन पे वो समन्वय बना के वो काम नहीं कर पाए हैं। जनता वही 20 साल पहले जूझ रही थी और वही आज जूझ रही है उन्हीं समस्याओं से। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं और महिला आयोग में आप काम भी कर रही हैं, तो महिलाओं के लिए क्या करेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरी जो अनएजुकेटेड मेरे महिलाएं हैं, मेरी बेटियां हैं, सबसे पहले मैं उनको पढ़ाने का कार्य करूंगी और जितना भी बोर्ड बनेगा उसको बहुत सख्त आदेश होंगे कि आपके क्षेत्र में कोई भी परिवार अशिक्षित ना रहे, दूसरा बेरोजगार ना रहे, क्योंकि उनको छोटे छोटे उनको रोजगार भी प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि जो गरीब लोग हैं बेचारे, सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, लाइनों में लग के वोट देते हैं कि ये आदमी हमारे लिए कुछ करेगा, तो उनकी कसौटी पे मैं खरा उतरूंगी, उनको रोजगार भी प्रोवाइड कराएंगे और उनकी जो मॉरल जो समस्याएं होंगी उनकी, जैसे छोटी छोटी समस्याएं होती हैं कि नाली ठीक से नहीं बह रही है, सड़क ठीक से नहीं बनी हुई है, गड्ढे हो रहे हैं, पानी ठीक से नहीं आ रहा है, तो ये 3 चीज़ें तो हर समाज का हक और अधिकार है और जो आदमी जनप्रतिनिधि चुना जाता है और जनता इतने प्यार से उसे चुनती है तो उनकी ड्यूटीज बनती हैं कि उनके बारे में हर विचार होना चाहिए कि किसी घर में किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। किसी की बेटी शादी के लिए हो रही है, पैसा नहीं है उसके पास, तो इतने सारे NGO चल रहे हैं, इतनी सारी संस्थाएं हैं और नेचुरल एक जब आदमी मेयर बनता है तो इतनी सारी निधि आती है उसके पास कि यदि उस निधि में से भी समाज का कल्याण करने की सोचता है तो मैं ये समझती हूँ कि रुड़की लंदन बनने में उसे कोई रोक नहीं सकता। चलिए, हमारे साथ थे रश्मि चौधरी जिन्होंने अपनी विचार यहाँ पर रखे और बताया कि महिलाओं को सबसे आगे ले जाने का काम सबसे पहले होगा और सब रुड़की में ऐसी जो डिक्टेटरशिप होगी वो इतनी मजबूत होगी कि कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। नितिन कुमार रुड़की हब से।